अगर आप गर्मियों में राजस्थानी फालूदा का मजा लेना चाहते हैं तो आप सीधे आइए कॉलेज चौक पर, जहां साल के कुछ ही महीनों राजस्थान से आए हुए युवकों के द्वारा एक ठेला लगाया जाता है और राजस्थानी फालूदा का मजा मधेपुरा के लोगों को चखाया जा रहा। नमस्कार, न्यूज 18 मधेपुरा देख रहे हैं आप और मैं हूं रविकांत कुमार। हमारे साथ यहाँ पर भड़का देवी फालूदा के संचालक हैं और इनके द्वारा यहाँ पर स्वादिष्ट राजस्थानी फालूदा बेचा जाता है। हम इसे जानेंगे, प्रयास करेंगे जानने का कि क्या आखिर खासियत है फालूदा। क्या नाम हुआ? गोपाल जी। गोपाल जी, कहाँ से आते हैं आप? राजस्थान से आते हैं। हमें ये बताए कि फालूदा की काफी चर्चे हो रही है, राजस्थानी फालूदा का आनंद लेने के लिए यहाँ पर काफी भीड़ देखी जाती है, क्या खासियत है इसकी? खासियत ये इसका, उसके अंदर तुलसी का बीज आता है जो पेट के अंदर ठंडक करता है। बाकी रूह अफ़ज़ा आता है, किशमिश आता है, काजू आता है, जेली आता है, दो तरह का आइसक्रीम डालते हैं उसके अंदर, सब पौष्टिक तत्व है। तो ये क्या खास है कि राजस्थान से ही आप लोग यहाँ पर आते हैं, इसकी विशेषता बताइए। इसकी विशेषता ये है कि इस क्षेत्र में आइसक्रीम का बिजनेस ऐसे है, लोकल है, कोई तो क्वालिटी नहीं देता है। हम राजस्थानी लोग क्वालिटी देते हैं, अच्छा बनाते हैं उसको, इसी हिसाब से उधर ज्यादा है आइसक्रीम का, इस साइड में है नहीं बिजनेस, इसके लिए इधर आए। तो कब से यहाँ पर आते हैं आप मधेपुरा? हम फरवरी में आ जाते हैं। कितने दिन रहते हैं? फरवरी से लगाकर 5-6 महीना रहते हैं। जब तक गर्मी रहता है? गर्मी रहता है तब तक, पूरे गर्मी रहते हैं। तो हमें ये बताइए कि फालूदा के साथ साथ और क्या आप बेचते हैं? फालूदा है, बादाम शेक है, काजू शेक है, मावा कुल्फी है, ड्राई फ्रूट कुल्फी है, केसर पिस्ता कुल्फी है, रबड़ी कुल्फी है, और आइसक्रीम में अमेरिकन ड्राई फ्रूट है, राजभोग है, चॉकलेट चिप्स है, बटर स्कॉच है, केसर पिस्ता है, ये सारी आइटम यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पर मिलती है। और लस्सी वस्सी जैसे थोड़ा और चालू करेंगे, लस्सी, ड्राई फ्रूट, सिकंजी, ये सब भी करेंगे। हमें ये बताए कि यहाँ पर जो अधिकतर डिमांड है वो किस चीज? फालूदा और काजू शेक अभी तो यही चल रहा है। अच्छा, कितने की आ जाती है ये एक गिलास काजू शेक और ये फालूदा? काजू शेक 50 रुपया है, बादाम शेक 50 रुपया, फालूदा 60 रुपया है, मावा कुल्फी 20 रुपया है, और आइसक्रीम दो फ्लेवर देते हैं हम 30 रुपए का। यानी कि 20 रुपया से स्टार्ट? 20 रुपया से स्टार्ट है। रोजाना कितने ग्राहक आ जाते हैं? रोजाना फिक्स नहीं होता है, कभी कभार ज्यादा भी आ जाते हैं, कभी कभार कम भी हो जाते हैं, मौसम के हिसाब से। हमें पता चला कि आपकी ये दुकान कॉलेज चौक के अलावा और भी कई जगहों पर है, तो मधेपुरा में कहाँ का? मधेपुरा में एक दुकान पूर्णिया कॉलेज चौक है, और एक इधर कॉलेज चौक है करपुरी कॉलेज के सामने, और एक सिंहेश्वर में है अपना। तो ये तीन जगह पर है। तो हमें ये बताए कि अगर कोई ऐसे पार्सल लेना चाहेंगे, अगर आपके फालूदा को चाहेंगे कि हम घर के लोगों को खिलाए, तो उसकी क्या व्यवस्था है? पार्सल हम पैक करके देते हैं, पैक हो जाएगा, उनका कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं? एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं है, जो इधर लगता है वही है। हमें ये बताए कि कब से कब तक आपकी दुकान खुलती है? दोपहर में 1 बजे से लगाकर रात को 10:30 बजे तक। 10:30 बजे तक जी। तो देखिए कि इनका कहना है कि जो फालूदा है और जो काजू शेक है वो यहाँ के लोगों को खूब भाता है, और राजस्थानी फालूदा और आइसक्रीम का मजा लेने के लिए आए दिन जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे लगातार यहाँ लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ कॉलेज चौक पर जो इनकी दुकानें हैं वहाँ पर आइसक्रीम खाने वालों की, फालूदा खाने वालों की जो भीड़ है वो लगी रहती है। मधेपुरा के लोगों को इन दिनों इनका फालूदा खूब भा रहा है।